अलखिदमत 2018 से फार्मेसी इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाम से ये टेस्ट इनकाद करवा रही है। अलखिदमत फार्मेसी सर्विसेज ने ये ज़रूरत महसूस करी कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं या उन्होंने एक आध साल कोई वर्क किया हुआ होता है तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती फील्ड की, खासकर कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी के हवाले से। तो इसलिए अलखिदमत ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये इंटर्नशिप करवाई जाए, और ये 15 डेज़ की इंटर्नशिप होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के या इनके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके विजिट्स होते हैं। अलखिदमत अपना ख़ुद जो सप्लाई चेन का पूरा सेटअप है उसका विज़िट कराती है। तो अलखिदमत इस पूरे प्रोसेस से इन तालिबे इल्मों को गुजारती है ताकि इसके नतीजे में ये तालिबे इल्म मोटिवेट भी हो सकें, इनको पता भी लग सके कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और क्या ज़रूरियात हैं। असल में हम पढ़ तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, हम भी पढ़ के आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट माशरे के अंदर उसका थोड़ा सा इम्पेक्ट थोड़ा सा दूसरा होता है। तालीम की ज़रूरत अपनी जगह, लेकिन जो अमल का नतीजा आता है उसमें इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी बेहतरी आएगी। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का मकसद यही है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले प्रिपेयर रहें, तो उसके लिए हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं हम अपनी कम्युनिटी फार्मेसी में और हॉस्पिटल फार्मेसी में, ताकि जो उनका इंटरेक्शन है और जो उन्होंने स्टडी की हुई है वो आपस में जो है वो प्रैक्टिकली उसको यूटिलाइज़ कर सकें। होपफुली जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं वो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको उसमें उसको ले कर चलेंगे। उसमें हम उनको वन वीक जो है हम उनको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देंगे रिगार्डिंग जो हमारी पॉलिसीज़ चल रही होती हैं हॉस्पिटल के अंदर या कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, और जो सेटअप हम ले कर चल रहे होते हैं उसके बारे में उनको अवेयर करेंगे ताकि वो अपनी प्रैक्टिकल जो स्टडी कर आएँ उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ कर सकें। इंशाल्लाह इसका नतीजा हम 18 अक्टूबर से पहले अनाउंस करेंगे। 18 अक्टूबर को इंशाल्लाह हमारा यहाँ पे ओरिएंटेशन डे होगा।